आदरणीय अध्यापकगण, क्या आप अपने छात्रों के लिए, अपने कोचिंग के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए खुद का सीबीटी या ऑनलाइन प्रैक्टिस क्विज सेट बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो examsu.in एक ऐसा खुला मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये मौका देता है कि आप बिल्कुल फ्री अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने छात्रों के लिए सीबीटी या ऑनलाइन क्विज सेट आप बना सकते हो, प्रैक्टिस सेट बना सकते हो। आपको मालूम है आज के डेट में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, सब में सीबीटी एग्जाम होता है। तो आप examsu.in पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, जो पाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये वेबसाइट मैंने खोल रखा है, ये डेस्कटॉप पे खोल रखा है। अगर आप इसे मोबाइल पे देखोगे तो ये कुछ यूं दिखेगा आपको, देख लो, ये कुछ यूं दिखेगा। और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस पेज आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करोगे, आपके पास मैसेज आ रहा है लिखा हुआ, टू कॉन्टैक्ट अस प्लीज फिल द फॉर्म बिलो, वी विल गेट बैक टू यू सून। संपर्क करने के लिए कृपया नीचे दिए गए फॉर्म भरें, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। तो इस फॉर्म में क्या भरना है, आपका नाम, टीचर का नाम या इंस्टीट्यूट या कोचिंग का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आपका जिस पे कंपनी आपको examsu.in कॉन्टैक्ट कर सकती है, बेस्ट टाइम टू कॉल यू, आप कब फ्री रहते हैं, कब उपलब्ध रहते हैं ताकि आपको कॉल मिले तो आप बात कर सको, आपका ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है, और कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है संपर्क के लिए, आपका एड्रेस, अगर आपका कोई वेबसाइट है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट चल रहा है तो वो वेबसाइट का एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, फेसबुक पेज आपका कोई है तो वो बता दीजिए, यूट्यूब चैनल है तो वो बता दीजिए, और कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए, और यहाँ पे आप चेकबॉक्स कर लीजिए। देखिए, आई वॉन्ट अ यूजर आईडी फॉर अपलोडिंग सीबीटी ऑनलाइन प्रैक्टिस, मुझे सीबीटी ऑनलाइन प्रैक्टिस अपलोड करने के लिए एक यूजर आईडी चाहिए, ये आप टिक कर लो। और नीचे है, ये रहा सबमिट बटन, तो नीचे ये रहा सबमिट बटन, आप इसको सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उसके 24 से 48 घंटे तक वर्किंग आवर के बीच में examsu की टीम आपका यूजर आईडी बना के और पासवर्ड बना के आपको भेज देगी आपके ईमेल आईडी पे। इसलिए ईमेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है, आपको मिल जाएगा। और इसे, ये मिलने के बाद आप इस साइट पे लॉगिन कर सकते हो। देखो यहाँ पे लॉगिन का बटन आ रहा है, अगर आप लॉगिन को क्लिक करते हो तो यहाँ लॉगिन बटन आ रहा है, देखो आप लॉगिन में जा सकते हो, यूजर आईडी डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, और फिर लॉगिन करके आप अपना खुद का सीबीटी फ्री में, बिल्कुल फ्री में अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हो। तो ये पहले आप यूजर आईडी पासवर्ड मंगा लो, इसके बाद स्टेप टू क्या है वो हमने अगले वीडियो में बता रखा है, अगले ट्यूटोरियल में बता रखा है, जिसका लिंक ऊपर कोने में आई बटन है वहां पे आ रहा है, या उसका लिंक, जितने भी स्टेप्स हैं, आप सीबीटी कैसा बनाना चाहते हो, इन सब का स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी स्टेप है, नीचे जो मैसेज बॉक्स आता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है उसमें डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। तो शिक्षकगण, आप examsu.in पर आए और अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री, बिल्कुल फ्री सीबीटी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट क्विज ये सारा कुछ बनाएं, और आप भी लाभ उठाएं और अपने बच्चों को भी लाभ दें। धन्यवाद।